हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कहते हैं मुढ़ी घंट। ये डिश ओडिशा में बहुत ही पॉपुलर है और इसे हम दाल के साथ फिश हेड को कुक करके प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मुढ़ी घंट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है देख लेते हैं। यहाँ मैं फिश हेड ली हूँ, जिसे मैंने अच्छे से धो के हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी के साथ मैरिनेट की हूँ। 1.5 कप चने का दाल ली हूँ, दाल मैं इस कप से मेजर की हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी और इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, कुछ दालचीनी, 1 टीस्पून मीट मसाला, यहाँ पे स्वाद के हिसाब से नमक, 1 टमाटर, 2 छोटे प्याज को स्लाइस करके ली हूँ, 3 इंच के करीब अदरक और अबाउट 40 क्लोव्स लहसुन। ये अदरक लहसुन और टमाटर को हम ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। और यहाँ पे सरसों का तेल। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे और दाल को अच्छे से धो के इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें 3 कप पानी डालेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे हम कुक करेंगे हाई फ्लेम में 1 विसल आने तक। जब हमारा फर्स्ट विसल आ जाएगा, हम गैस की फ्लेम को लो करके 10 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। जब तक हमारा दाल कुक होता है, हम एक दूसरे बर्नर पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा, फिश हेड को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। फिश हेड को हमें अच्छे से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। यहाँ देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। अब उस सेम तेल में हम दालचीनी डाल देंगे 1-2 सेकंड के लिए इसे फ्राई करके। प्याज डालेंगे। इस कटे हुए प्याज को हमें फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज होके स्लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। यहाँ हमारा प्याज फ्राई होके हल्का ब्राउन कलर हो चुका है, तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और इमीडिएटली इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था। और इस मसाले को हमें लो से मीडियम फ्लेम में भूनना है जब तक कि इसका रॉ स्मेल ना चला जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट होना ना स्टार्ट हो जाए। मसाला हमारा भुन चुका है और यहाँ पे देखिए तेल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे मीट मसाला और दालचीनी और इलायची का पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले में हम डालेंगे फ्राई किए हुए फिश हेड। अब इसे हम इस तरह से हल्का प्रेस करते हुए तोड़ लेंगे मीडियम साइजेस के पीसेस में। ये देखिए इस तरह से। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पानी, इससे ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और इस फिश हेड को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम में। यहाँ पे देखिए हमारे कुकर का प्रेशर भी अपने आप रिलीज हो चुका है। लिड खोलेंगे, ये हमारा दाल भी अच्छे से पक चुका है। देखिए मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारे फिश हेड को मसाले के साथ भुनने का 15 मिनट हो चुका है, तो
तो अब हम इसमें कुक किए हुए दाल को डाल देंगे, साथ ही में इसमें एक कप पानी और डालेंगे। मिक्स करेंगे सब कुछ बढ़िया से। और अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। सात मिनट हो चुका है और इसमें अच्छे से बॉईल भी आ गया है, तो अब हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। और अब हम इसे गार्निश कर लेंगे धनिए के पत्ते के साथ। मिक्स करेंगे और हो गया हमारा मूढ़ी घंटा एकदम रेडी। तो अब चलते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस डिलीशियस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कितनी पसंद आई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी नए नए रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।